हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के एक्शन मोड से हर कोई वाकिफ है। अनिल विज अक्सर थाने में जाकर इंस्पेक्शन करते हैं और काम सही नहीं होने पर अधिकारियों को फटकार भी लगाते हैं। अब ताजा मामला ही देख लीजिए। रोहतक में किसी बैठक में शिरकत करने गए अनिल विज सीधे थाना सिविल लाइन में छापा मारने पहुंच गए। यहाँ इन्हें देख पुलिस के आला अधिकारियों के पसीने छूटने लगे। इस दौरान उन्होंने थाने के अंदर करीब 2 घंटे जांच की। हैरानी की बात यह थी कि छापेमारी के दौरान थाने में अनियमितताओं का अंबार मिला। सरकार के थाने के समानांतर एसएचओ अपना थाना चला रहे थे। जब थाने में जांच की गई तो यहां की अलमारियों में लोगों की शिकायतों के पुराने ढेर मिले हैं, जिनकी ना तो एफआईआर रजिस्टर की गई और ना ही उन्हें किसी रजिस्टर में दर्ज किया गया। थाने के अंदर ही लकड़ी की अलमारी में 2 लोडेड कार्बाइन और 1 पिस्टल भी मिली है। ये सब देखकर अनिल विज ने एक्शन लिया और सीधे थाने के एसएचओ, मुंशी, एक हेड कांस्टेबल और 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। ये इस थाने में सारी अनियमितताएं मिली, लोगों की दरखास्तें अलग अलग अलमारियों में लंबे समय से पड़ी हुई मिली है, जिनको किसी रजिस्टर में इंदराज नहीं किया गया, ना DDR काटी गई है ना FIR काटी गई है। एक अलमीरा में, लकड़ की अलमीरा में 2 कार्बाइन और 1 पिस्टल रिवॉल्वर, लोडेड रिवॉल्वर, लोडेड कार्बाइन वहाँ पड़ी है, जबकि नियम के अनुसार कोर्ट में से हथियार जाता है और आकर कोर्ट में जमा कराना होता है। वो हथियार किन के हैं भाई? वो तो पाड़खाने के हैं। नहीं नहीं, इस यहाँ रखे किसने? ये तो इस मुंशी के पास मुंशी ने रखे। नहीं, कोई आगे रखे क्या होगा ना, आपने चार देखे। मुंशी पता किसने रखे हैं? मुंशी ने जमा करेगा पाड़खाने भाई। ये किसकी कार्रवाई थी, किसके थे हथियार? है नाम क्या है, ये यहाँ आप कौन रख के गया था? दोनों के नाम बता रहे, चुपचाप तीनों के बता दे किस किस के नाम ये लॉट हुई हुई थी। रजिस्टर दिखाओ, तुमने लॉट करी होंगी, किसी को तो करी होंगी ना। जय ऐसे पकड़ा देते हो, ले दो भाई, है किसी को तो लॉट की होगी ना। कौन रख के गया यहाँ पे? उन तीनों आदमियों को सस्पेंड किया जाता जी, जो भी 3 आदमी है ये पता करो भाई, पता करो, SP साहब को बताओ, तीनों आदमी ठीक है ना जी। ये तो ग्रॉस मिस, वो थोड़ा पंडित वो है क्रॉसिंग, पूरी तरह से एक समानांतर थाना यहाँ पर चलाया जाए, एक सरकार का और एक यहाँ के SHO का थाना है, कि जो इनके लेवल पर ही सारे फैसले हो रहे हैं। अनेकों दस्तावेज हमें मिले हैं, हमने ले लिया अपने कब्जे में, जिनकी कार्रवाई नहीं की है। बहुत सारी FIR की कॉपीज भी मिली हैं, वो भी हमने अपने रिकॉर्ड में ली हैं, जो कि जिन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया था उनको देनी चाहिए थी, उनको नहीं दी गई है, जो यहाँ पर पड़ी हुई है। और टोटल कितने सस्पेंड किया, कितने किए सर? एक SHO नरेश चंद्र, एक मुंशी, क्या नाम है मुंशी का? वरिंदर, एक हेड कांस्टेबल और 3 आदमी वो जिनके हथियार हैं जी। अब वो ये इन्वेस्टिगेशन में हंडा साहब बताएंगे कि किस किस के हथियार थे। हथियार हमने SP साहब को हैंडओवर कर दिए कि ये हथियार यहाँ पर अनअटेंडेड पड़े हुए हैं और कोई भी दुर्घटना हो सकती है, कोई भी अंदर थाने में आके हथियार उठा के कोई कार्रवाई कर सकता है, तो वो हमने SP साहब को दे दिए हैं। SP साहब उनका फाइंड आउट करेंगे कि ये किस किस के हथियार थे, कौन कौन रख के किया था, और उनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है वो तो करेंगे ही, लेकिन सस्पेंड में अभी कर। एक सर, आप ये चीजें फाइंड आउट करते हो, लेकिन इनकी सुविधाओं की तरफ भी आप